यह है मेरा घर, किचन, बाथरूम, बालकनी और सबसे ज़रूरी ये खिड़की, जहाँ बैठकर मैं अपने दिल की बात कागज़ों पर उतार देता हूँ। और ये हूँ मैं। पेशे से मैं स्टूडेंट हूँ? नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं है। क्या हो अगर मैं खुद को लेखक, राइटर कहूँ? खैर, 2 साल से मैं यहाँ अकेला ही रह रहा हूँ। पहले दोस्त रहते थे, बहुत अच्छे पल बिताए हैं हमने यहाँ, पर अब वो सारे चले गए अपनी अपनी जिंदगियों में वापस। पता नहीं मुझे याद करते भी हैं या नहीं। छोड़ो। और मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक राइटर हूँ और यही कारण है मेरे यहाँ होने का। एकांत, शांति। दूसरी वजह है ये खिड़की, क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। हाथ में किताब होती थी मगर ध्यान प्लेग्राउंड पे। मम्मी पापा को हमेशा से मेरे लिखने से एतराज था। कहते हैं लिखेगा तो खाएगा क्या, शादी कैसे होगी। लेकिन अब मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं। जिंदगी के फैसले लेना आसान है, लेकिन उसका परिणाम भुगतना आसान नहीं। फैसले लेने में समय नहीं, लेकिन उसे अमल करने में बहुत समय लगता है। कुछ मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कुछ रास्तों से ही गायब हो जाते हैं।